नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हाँ, तुलसी के 11 पत्तों के इस आसान से उपाय से दूर हो जाएगी पैसों की समस्या। लोग आजीविका कमाने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि भरपूर मेहनत के बावजूद पैसों की किल्लत बनी रहती है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी ही समस्या है तो हम आपको इससे हमेशा के लिए मुक्ति पाने का सरल उपाय बता रहे हैं। वैसे तो ज्योतिष में धन प्राप्ति के लिए कई उपाय बताए गए हैं, पर आज हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं वो प्रभावी होने के साथ साथ बेहद आसान भी हैं। इसके लिए आपको कोई भी विशेष विधि या अनुष्ठान करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको 11 तुलसी पत्तों से किया गया सबसे आसान और चमत्कारी उपाय करना है बस। हिंदू धर्म में पहले जानते हैं तुलसी की विशेष महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में तुलसी को जितना महत्व दिया गया है शायद ही उतना किसी और वृक्ष और पौधे को दिया गया हो। शास्त्रों में वर्णित है कि तुलसी धार्मिक, आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक महत्व की दृष्टि से विलक्षण पौधा है। जिस घर में इसकी स्थापना होती है वहां आध्यात्मिक उन्नति के साथ सुख, शांति और समृद्धि स्वमेव आती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवों और दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के समय जो अमृत धरती पर छलका उसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए इस पौधे के हर हिस्से में अमृत समान गुण है। साथ ही ये भी मान्यता है कि तुलसी के पौधे की जड़ में सभी तीर्थ मध्य भाग में सभी देव देवता और ऊपरी शाखाओं में होते हैं। इसके साथ साथ सभी वेद यानी कि चारों वेद स्थित हैं और इसीलिए इस मान्यता के अनुसार तुलसी का प्रतिदिन दर्शन करना पाप नाशक समझा जाता है और इसके पूजन को मोक्षदायक कहा गया है। इसके बाद तुलसी के पत्तों का हम महत्व जानते हैं ज्योतिष में, ज्योतिषीय उपायों के बारे में भी। तुलसी के पत्तों का ये उपाय करने के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी के पवित्र पौधे से पत्ते तोड़ने हैं। पत्ते तोड़ने से पहले आप तुलसी माँ को प्रणाम कर क्षमा मांग लें और फिर तुलसी के 11 पत्ते तोड़ लीजिए। ध्यान रहे कि कोई भी पत्ती इसमें से खंडित न हो या फिर सूखी हुई सी न हो, आप हेल्दी पत्तियाँ तोड़ लीजिए। फिर इन पत्तों को आप स्वच्छ जल से धो लें और इसके बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े करके रसोई में आटे के बर्तन में डाल दें। इस आटे का भोजन में प्रयोग करने से कुछ ही दिनों में आपको घर में बदलाव दिखाई देने लगेगा। तुलसी के पत्तों के इस उपाय से माँ लक्ष्मी और धन कुबेर की कृपा होती है और आर्थिक लाभ भी मिलता है। धन प्राप्ति के नए अवसर बनने लगते हैं, साथ ही नौकरी और कैरियर में आ रही दिक्कतों से भी छुटकारा मिल जाता है। पर ये उपाय करते समय ध्यान रखें कि रविवार के दिन एवं एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना अशुभ माना जाता है, इसीलिए इस दिन भूल के भी यह उपाय न करें। जी हाँ, वर्जित डे होता है एकादशी का दिन और रविवार का दिन। इस दिन तुलसी पत्ते का प्रक्षालन नहीं करना चाहिए, यानी कि नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी के पत्तों को उतारना नहीं चाहिए पौधे से। और दिनों में आप इस उपाय को अपना सकते हैं और अपनी सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।